हेलो दोस्तों, गिज़्मो टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हैं एक कंप्लीट ओवरव्यू और टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो रेडमी के स्मार्ट बैंड के बारे में। रेडमी का स्मार्ट बैंड इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ये इसका बॉक्स पैकेज है। मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर इसके फीचर्स की बात करूँगा और मेरा जो क्विक रिव्यू अभी तक का उसके बारे में बात करूँगा। पहले इसके फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो ये बैंड आता है 1.08 इंच डिस्प्ले के साथ और ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कैपेसिटिव का एक टच बटन भी मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर स्वाइप करोगे तो सब कुछ यहाँ पर आप स्वाइप करके चेंज कर सकते हो नेविगेशन में, मगर वो नीचे का जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी एक टच बटन है। इसके साथ साथ यहाँ पर 130 mAh की बैटरी आ रही है और वो आपको तकरीबन 14 दिन की बैटरी लाइफ देगी। और उसके साथ साथ इसमें हार्ट रेट सेंसर भी आपको मिल रहा है। हार्ट रेट सेंसर यहाँ पर कंटिन्यूस हार्ट रेट भी मॉनिटर करेगा अगर आप उसको सेट करोगे तो। उसके बारे में मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताऊंगा। और ये आ रहा है ब्लूटूथ 5.0 वर्जन के साथ तो क्विक कनेक्टिविटी के लिए। और इसके साथ ये वाटर रेसिस्टेंट है 5 ATM वाटर रेसिस्टेंस के साथ, जिसका मतलब है कि आप ऑलमोस्ट 50 मीटर अंडर वाटर भी जाएंगे तो ये वाटर इंग्रेस नहीं होगा और कोई डैमेज नहीं होगा। फीचर्स के हिसाब से इसके अंदर वैसे जैसे मैंने बताया था, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर तो है ही, उसके साथ साथ एक्टिविटी ट्रैकिंग जो होता है वो तो है और स्लीप ट्रैकिंग भी प्रॉपरली ये करेगा बैंड। और उसके अलावा म्यूज़िक कंट्रोल और ऐप नोटिफिकेशंस, कॉल अलर्ट्स और रिजेक्ट करने का कॉल का भी ऑप्शन आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी तक सारे के सारे Xiaomi के मी बैंड हो गए या इवन अगर हम Honor के बैंड्स की बात कर लें, सारे बैंड्स में हमें प्रोप्राइटरी चार्जर्स की ज़रूरत होती थी। और क्योंकि बड़ी ऐसे बैंड्स आते थे बड़ी बैटरी लाइफ के साथ, 15 दिन 20 दिन एक एक महीने के बैटरी लाइफ के साथ, तो वो चार्जर्स को रखना और खोए बिना रखना वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात होती थी। यहाँ पर आपको चार्जर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक फ्लैश आइकन आपको दिख रहा है जो इसका चार्जिंग साइड रहेगा, आपको बस इसको पुल करना है। पुल करते ही यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये USB-A चार्जिंग के साथ आपको इजीली चार्ज होगा। तो यहाँ पर अलग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट चार्ज की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चार्ज आप इसको पोर्ट में लगा दो और ये खुद चार्ज हो जाएगा बैंड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट मेरे लिए सबसे हेल्पफुल फीचर रहेगा कि हमें अलग से चार्जर लेने की ज़रूरत नहीं और चार्जर के खोने के भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं रहेगी। और ये वीडियो क्योंकि हम बना रहे हैं जब बैंड हमें ऑलरेडी मिल गई थी और इसका जो ऑफिशियल लॉन्च हुआ था उसके अराउंड ही बना रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे जो ऐप दिया था वो था Xiaomi Wear एप्लीकेशन, जिसके अंदर ये बैंड हम मैंने सेट किया है। और अगर सेट करना हो तो वैसे दिस इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कोई अदर बैंड, तो बहुत इजी प्रोसेस होता है। आपको बस वहाँ पर जाके डिवाइस ढूंढना है, डिवाइस ढूंढने के बाद वो जब बैंड स्टार्टेड है एक कोड आता है वो मैच करना है। मैच करने के बाद आपको बस एक बार बैंड में एक्सेप्ट करना है और उसके बाद सब कुछ यहाँ पर सेट हो जाता है। चलो अब इसके मेजर टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। पहली बात है बैंड के डिस्प्ले के अंदर जो यहाँ पर थीम्स है वो थीम्स चेंज करने की, यहाँ पर कैसे चेंज करना है। यहाँ पर तो दो ऑप्शन है आपके पास, लोकल ऑप्शंस, और अगर आपको वही चीज़ बैंड में भी चेंज करनी है वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक के साथ। अगर ये अगर होम स्क्रीन हो गया इसका, तो ऊपर से नीचे एक बार स्वाइप कीजिए और ये मोर ऑप्शन आएगा, उस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो थीम्स का ऑप्शन आ जाएगा। थीम्स के अंदर आपके पास ये दो थीम्स रहेंगी, एक रहेगा सबसे फ्लैट ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन और एक रहेगा ये कलर बैकग्राउंड के साथ, तो आप उस पर टैप करेंगे तो वो सेट हो जाएगा आपका थीम। बट ये दो ही है आपके पास, ये लोकल ऑप्शंस है। अब ऑनलाइन ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, अब अभी के लिए तो आप इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कस्टमाइज़ नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन में काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे जो आप डाउनलोड करके सेट कर सकते हो अपने बैंड पर, बट ये बात है कि आप कस्टमाइज़ करके अपना ओन कोई पिक्चर या कुछ ऐसा अभी के लिए नहीं लगा पाओगे। हालांकि है तो ये कलर डिस्प्ले, फिर भी ये ही कलर्ड ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सो यहाँ से आप ऑनलाइन ऑप्शन से कोई भी एक थीम इंस्टॉल करके इजीली आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट बात रहेगी इसके जो पर्सनल गोल्स है उसको सेट करने के बारे में। प्रोफाइल में जाएंगे आप, अगर आप तो पर्सनल इन्फो यहाँ पर है और यहाँ पर आपको सिर्फ ये तीन ऑप्शन मिलेंगे। हार्ट रेट जोन का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए और ऑटो मेजरमेंट मतलब होना चाहिए इस फॉर अलर्टिंग। और अगर हम डेटा के अंदर जाते हैं तो ये है इसके डेटा ऑप्शंस। तो चीज़ें जो ट्रैक होती है, पहली बात यहाँ पर ये किलो कैलोरीज मतलब एक्टिव कैलोरीज बर्न कितने हुए वो कैलकुलेट होता है। आपके स्लीप, आपके एक्टिविटी, आपके चलने की जितनी एक्टिविटी हुई या कोई वर्कआउट किया है
उसके हिसाब से ये आपको बताएगा। और ये डेली स्टेप एक्टिविटी, क्योंकि मैं ये एक ही दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा इतना ही एक्टिविटी यहाँ पर दिखेगा, शायद कल का भी थोड़ा दिख जाए, नहीं सेवन्थ, हाँ सेवन्थ का भी थोड़ा दिखेगा। ये टाइम था जब मैंने फर्स्ट टाइम बैंड को सेट किया था और उसके बाद आज मैंने इतना यूज़ किया है। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, डेली गोल यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। डेली गोल, ये बात मैं बता रहा था, वो डेली गोल अगर आपको चेक करना सेट करना हो तो इसके अंदर आइए, स्टेप काउंटर के अंदर, वहाँ से आप जाके सेट कर सकते हैं। अब स्लीप में भी अगर चाहेंगे तो स्लीप में ये रहे इसके ऑप्शन आपके देखने के कि कितना स्लीप आपको मिला था, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डीप स्लीप, लाइट स्लीप और अवेक टाइम कितना था, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। और उसके अलावा स्टैंडिंग, कितने बार आप खड़े हुए, मतलब दिस इज़ लाइक इफ़ यू स्टैंड और मूव अराउंड फॉर मोर देन 1 मिनट, बीच बीच में अगर आप एक बार खड़े हो रहे हो और थोड़ा चल रहे हो, वो उसको काउंट कर लेता है स्टैंडिंग टाइम के जैसे, और वो एक्टिविटी के जैसे यहाँ पर काउंट होता है। अब बाकी चीज़ें यहाँ पर, नोटिफिकेशंस का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा लोगों को, अगर आपने पहली बार इसको सेट किया है तो कांट रिसीव नोटिफिकेशंस व्हेन दे आर अलाउड, तो थोड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, थोड़ी जगह पे आपको जाके बैकग्राउंड एक्टिविटी परमिशन सेट करने पड़ेंगे, ये चीज़ें अलग होती है वो जो आपको सेट करनी पड़ेगी। पहली बार तो अगर बैटरी सेवर टर्न ऑन है तो वो ऑफ करना पड़ेगा। उसके अलावा सेलेक्ट नो रेस्ट्रिक्शंस, आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए बैकग्राउंड से तो आपको सेटिंग्स में जाके यहाँ पर नो रेस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा। तो ये तो सब मैंने सेट कर दिया है, तो वही अलाउ ऐप ऑटो स्टार्ट, ऑटो स्टार्ट जाके यहाँ पर ये ऑटो स्टार्ट जाके आप अलाउ कीजिए। लॉक द ऐप इन द बैकग्राउंड, तो ओपन रिसेंट्स ऑन योर फोन, प्रेस द प्रेस एंड होल्ड द Xiaomi Wear ऐप, तो ये आके यहाँ पर आप लॉक, ये देखिए ये चार ऑप्शन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने ये स्टेप्स दिखाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नोटिफिकेशन सारे बैकग्राउंड में चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं चाहिए कि कोई नोटिफिकेशन मिस आउट हो जाए अगर आप फ़ोन नहीं देख रहे हो। अब नोटिफिकेशंस में ही अगर हम जाएंगे तो ये रहे नोटिफिकेशन के ऑप्शंस, ओनली रिसीव व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, मैं ये प्रीफर करूँगा क्योंकि अभी तो ये फ़ोन मेरा सेकेंडरी फ़ोन है, इसमें सिम भी नहीं है तो यहाँ पर तो व्हाट्सएप और वो सब सेट नहीं हुआ है, मगर अगर व्हाट्सएप और वो सब होते तो वो सारे ऐप मैं यहाँ पर टर्न ऑन कर देता ऐसे। और यहाँ पर मेन पॉइंट ये है, जब फ़ोन मेरा ऑफ है, मतलब स्क्रीन ऑफ है, फ़ोन नहीं स्क्रीन ऑफ है, तब ही मुझे नोटिफिकेशन आने चाहिए मेरे वॉच पे, नहीं तो ये डबल नोटिफिकेशन बहुत ही हेडेक करता है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस होता है। जब आप वैसे भी फ़ोन में नोटिफिकेशन पढ़ ही रहे हो तो आपको वॉच फेस पर क्यों चाहिए, तो वो यहाँ पर ऑप्शन आप सेट कर सकते हो, ओनली रिसीव व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ। अब बाकी यहाँ पर फीचर्स जो है, एडिशनल फीचर्स में अगर हम जाते हैं तो हार्ट रेट सेटिंग, जो मैं बता रहा था आपको कंटिन्यूस हार्ट रेट के बारे में, कंटिन्यूस हार्ट रेट सेटिंग इज कि जब आपको अगर फुल डे आपको ट्रैक करना है कि हार्ट रेट मेजरमेंट कितना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो डिटेक्शन मेथड इज ऑटोमेटिक या नहीं तो टर्न ऑफ, तो ऑटोमेटिक इसको सेट कर दीजिए आप। उसके बाद ये कितने मिनट का फ्रीक्वेंसी चाहिए, मैं यूजुअली 5 मिनट रखता हूँ, ये पहला बैंड नहीं है, बहुत सारे मैंने प्रीवियसली बैंड्स यूज़ किए हैं सारे के सारे, जैसे रियलमी वॉच भी अभी रिसेंटली यूज़ किया था, वहाँ पर भी मैंने एक्टिविटी इसका रखा था 5 मिनट का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 5 मिनट इज़ लाइक 12 मिनट पर घंटे और 24 × 12 इज़ ऑलमोस्ट लाइक 250 के आसपास रिकॉर्डिंग्स होते हैं एक दिन के, तो इसलिए दैट मार्जिन इज गुड इनफ। उसके बाद हार्ट रेट अलर्ट, व्हेन द अलर्ट वैल्यू इज रीच्ड एंड देर इज नो ऑब्वियस एक्टिविटी इन द लास्ट 10 मिनट्स, द बैंड विल वाइब्रेट। तो ये चीज़ क्या होती है, अगर आप ऐसे ही आइडल बैठे हो और वो अगर हार्ट बीट आपका जा रहा है एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा, अगर आपने सेट किया कि 140 और 140 से ज़्यादा अगर हार्ट रेट जा रहा है, तो ऐसे होता है कि देर माइट बी सम प्रॉब्लम विद योर हार्ट बीट्स, और वो इरेगुलर हार्ट बीट्स आपको प्रॉपरली चेक करके डॉक्टर को बताना चाहिए, इसलिए वो आप सेट कर सकते हैं कि यस मुझे अलर्ट्स चाहिए उसके बारे में। अब उसके अलावा अगर हम जाते हैं तो रेस्ट टू वेक स्क्रीन, ये वो फीचर है जो आप शेड्यूल कर सकते हैं या नहीं तो ऑलवेज ऑन रख सकते हैं। ऑलवेज ऑन तो रखना सेंस नहीं बनता, क्योंकि रात को जब आप सो रहे हो तो भी अगर मूवमेंट्स हो रहे हैं तो उसके हिसाब से वो ऑन कर देगा, उससे बेटर है इसको शेड्यूल कर दो एंड 10 बजे के बाद, या हाँ 10 बजे के बाद रात को वो काम नहीं करेगा। बट दिस इज व्हाट रेस्ट टू वेक स्क्रीन इज, अभी ये बंद है, अभी मैं इसको पहन के आपको दिखा देता हूँ, अभी ये बंद तो है वैसे स्क्रीन इसका, तो अगर मैं इसको पहन रहा हूँ बैंड को, पहनने के बाद मैं जब इसको स्क्रीन को रेज करूँगा, वॉच को अगर रेज करूँगा अपने रिस्ट को, तो उसका स्क्रीन शुड बी ऑटोमेटिकली टर्निंग ऑन, वो यहाँ पर मतलब हमें चाहिए तो वही। तो यहाँ पर अभी के लिए आप देख रहे हैं बैंड का जो स्क्रीन है दैट इज टर्न्ड ऑफ, अब मैं इसको उठाता हूँ एंड द स्क्रीन इज टर्निंग ऑन, तो वापस इसको बंद हो गया जब हमने इसको वापस नीचे कर दिया था, अब उठाने के बाद ये ऑन हो जाता है अपने आप। सो दिस इज व्हाट रेस्ट टू वेक स्क्रीन इज एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन बिकॉज ऑफ द सेंसर्स, उसको पता चलता है कि यस मूवमेंट हुआ है, और ये जब ऐसे हॉरिजॉन्टल आया इसका मतलब कि किसी आपको यूजर को टाइम देखना है या कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो वो यहाँ पर प्रॉपरली काम करता है।
तो ये थे मेन फीचर्स। और आइडल एलर्ट कि जब भी आप आइडल बैठे हो तो वो आपको वाइब्रेट करके बताएगा कि आपको थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए। तो ये थे मेजर फीचर्स। अब डेटा में तो जैसे मैंने आपको बताया ये रहे थे, और एवरेज हार्ट रेट का जो मैंने नहीं बताया था ये रहा। तो एवरेज हार्ट रेट ये हर 5 मिनट का जो ट्रैकिंग था उसके बारे में है, और यहाँ पर वो मैक्सिमम हार्ट रेट कहाँ तक पहुँचा था, मिनिमम कहाँ तक पहुँचा था, वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो बस इतना ही, ये थे मेजर फीचर्स एंड मेजर टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको कुछ और जानना हो और कुछ आपको पूछना हो तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, आपको सारे के सारे और टिप्स एंड ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगा। चार्जिंग का तो जैसे मैंने बताया था इट्स इजी, यहाँ पर नीचे आप आइए और नीचे देखिए यहाँ पर एक फ्लैश आइकन दिखेगा। ये फ्लैश आइकन का मतलब है कि इस साइड इसके चार्जिंग का पोर्ट है, दूसरी तरफ नहीं है, और ये हार्ट रेट सेंसर है। तो चार्जिंग के लिए आपको बस इसको पुल आउट करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी हार्ड होता है ये, तो ईजिली आप इसको निकालें और उसके बाद आप इस पे चार्ज पे लगा सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू यूज़ दिस। और बैंड चेंज करना हो तो भी शायद चेंज कर सकते हैं, यस, दूसरी साइड से भी आप पुल आउट कर सकते हैं, मगर ओनली वेन यू वॉन्ट टू चेंज द बैंड। अगर टूट गई या कुछ डैमेज हुआ है तो आप चेंज करने का सोचें इसको, अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही साइड का निकाल के आप इसको चार्ज कीजिए। सो दैट्स इट गाइज, ये था एक क्विक ओवरव्यू, क्विक रिव्यू, और उसके साथ साथ पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स का एक वीडियो रेडमी के स्मार्ट बैंड का। इस प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट बैंड हम कह सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं। हार्ट रेट मॉनिटर मिल रहा है, 50 ATM वाटर रेसिस्टेंस आ रहा है, उसके साथ साथ स्लीप ट्रैकिंग, एक्टिविटी ट्रैकिंग, और उसके साथ 14 दिन की बैटरी लाइफ विद दी हार्ट रेट टर्न्ड ऑन, और बाकी सारे नोटिफिकेशन सब कुछ सही चलता है इसमें, और कोई दिक्कत की अभी तक तो बात मुझे नहीं लगी। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कीजिए किस्मत टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।